में जो है कई सारे खबर आ रही कि हिंदू संगठन शपथ दिलवा रहे हैं कि मुस्लिमों की दुकान से जो है वो कुछ खरीदारी नहीं करना है, ईद के दिन बंद रखेंगे। देखिए मित्र, वैसे तो किसको किससे क्या खरीदना है ये निजी मामला होता है, पर आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिली है, मैं जानकारी लेता हूँ। पूरा गांधी परिवार पीके की बैसाखियों पर आना चाहता है, चाहे राहुल गांधी जी हो, सोनिया गांधी जी हो, प्रियंका गांधी हो, अकेले कमलनाथ जी ऐसे हैं जो इसके बारे में स्पष्ट राय नहीं रखते हैं। मेरे ख्याल से उनके पास में एक पीके है पहले से, प्रवीण कक्कड़, इसलिए ध्यान नहीं रखते हूँ। हो गए पूरे हम लोग बचपन से 24-24 घंटे अखंड रामायण पढ़ते आए हैं, बाकी चीजें पढ़ते आए। मैं, मेरा मानना है कि इस बारे में सनसनी जैसी कोई बात नहीं है, ना ही सनसनी जैसी कोई बात करना चाहिए। ये ऐसा देश है कि इस देश में सबको अपनी अपनी स्वतंत्रता है, बशर्ते दूसरे की स्वतंत्रता का हनन न होता हो। बहन प्रियंका जी ने, आप ध्यान दें इस बात पे, किसकी पेंटिंग? एमएफ हुसैन जी की पेंटिंग खरीदवाई, ऐसा बयान ईडी में आया है। ये वही एमएफ हुसैन हैं जिन्होंने हमारी सरस्वती माँ, दुर्गा माँ की आपत्तिजनक पेंटिंग बनाई थी। गांधी परिवार पूरा, कोई भी हिंदू धर्म का अपमान करे फिर उसको कैसे प्रोत्साहित करते हैं, ये कोई इस परिवार से सीखे। और उसी कड़ी में 2 करोड़ की एक पेंटिंग ईडी में बयान हो गया, अब तो सरकारी रिकॉर्ड में आ गया, जिसने हिंदू देवी देवताओं का अपमान करा हो उसकी पेंटिंग खरीदवाई है। सर, सीएम हाउस में आज बताया जा रहा है कि जो आदिवासी, यही सवाल है, आदिवासी विधायकों का डिनर जो है वो सीएम हाउस में होना है। सर, आज और कल की बात नहीं है, सर्वांगीण सोच लेकर हमारे नेता माननीय शिवराज सिंह जी चलते हैं और वो सदैव सभी के साथ बैठते रहते हैं, उसी क्रम में विधायकों के साथ बैठ रहे हैं। इसको किसी वर्ग विशेष से क्यों जोड़ते हो? हमारी पार्टी वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाली पार्टी है। ये वही पार्टी है जिसके सर्वोच्च नेता सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं।